अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेनम कुजीन। आज मैं आपके सामने पीच क्रीम चीज़ केक की जो है वो रेसिपी लेके आ रही हूँ, और इसके लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने पहले क्रीम चीज़ की जो रेसिपीज दी हैं कि मैंने इसमें मैरी बिस्किट लिए थे और उसको मैंने मक्खन डाल के और एक ब्लेंडर में या जो भी आपके पास चॉपर वगैरह पड़ा हुआ है उसमें आप अच्छी तरह चॉप कर लें, और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बटर डाला था और मैंने इसको ग्रीस कर दिया था। मैंने ये वाला आप देखिएगा लिया है जो चीज़ केक के लिए यूज़ होता है, वही मैंने पैन जो है वो लिया है और इसको मैंने ग्रीस करके और मैंने इसको अच्छी तरह डाल के इस पैन में प्रेस कर दिया है, और अब मैं इसको जो हूँ कम से कम 10 to 20 मिनट्स के लिए इसको मैं जो हूँ फ्रिज में रखूँगी। इसका सेकंड स्टेप ये है कि मैंने एक पैकेट क्रीम ले ली है, ये देखिएगा, और मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि क्रीम व्हिप करने का तरीका क्या है। मैंने बर्फ़ का एक प्याला ले लिया था और मैंने उसके ऊपर ये क्रीम रखी है, और इसको मैं इसमें तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून जो हैं वो डाले हैं शुगर के, और अब मैं इसको अच्छी तरह व्हिप करूँगी और व्हिप करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको फर्दर जो है वो कैसे यूज़ करना है। ये मैं आपको इसी तरह बताऊंगी, इसमें से हाफ क्रीम मैं जो है वो निकाल लूँगी और मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो अपनी वीडियोस में पहले पीच का गूदा निकाला था वो मैंने तकरीबन काफ़ी सारा ये गूदा निकलाया था, तकरीबन 1 कप ये गूदा निकला हुआ है, मतलब पीच को जो है मैंने ब्लेंड किया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसको उसमें से स्टेन किया था जूस को, और जो स्टेन हुई हुई चीज़ थी ये वो है, और इसमें अभी मैं क्रीम डालूंगी और साथ मैंने जेलेटिन बना के रखी हुई है, वही 2 टेबलस्पून जेलेटिन मैंने जो है वो पानी में डाल के गर्म पानी में तैयार करके ये रख ली है। अब मैं आपको सारा बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह बनाना है, और साथ मैंने चीज़ क्रीम यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको फर्दर बताती हूँ, और जितनी देर में हमारी क्रीम व्हिप होती है उतनी देर में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने फर्दर और क्या करना है। अच्छा जी, इसका जो सेकंड स्टेप है वो हम ये करेंगे, जो मैंने पीच आपको बताया है कि मैंने निकाल के रखा हुआ है उसको हमने थोड़ा सा इसको ब्लेंड करेंगे बहुत केयरफुल होकर, और ब्लेंड करने के बाद जो है इसमें हम तकरीबन 3 to 4 टीस्पून जो है मैं इसमें देखिएगा 4 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है। ऑलरेडी इस गूदे में मैंने शुगर डाली हुई थी तो मैं इसलिए फर्दर इतनी शुगर नहीं डाल रही, और इसके बाद मैं इसमें जो व्हिप क्रीम है वो मैंने जैसा आपको बताया मैंने करके रखी है वो मैं इसमें डालूंगी। तकरीबन आप यही 4 मैंने जो है खाने वाले चावलों जो आप सालन डालने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने डाले हैं इसमें, और बाकी मैं आपको बताऊंगी इसको मैंने किस तरह इसको यूज़ करना है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप इसको चिल करें उसी तरह जैसा मैंने बताया है। अब मैंने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, बिल्कुल स्लो में रख के इसकी मिक्सिंग करिएगा। बहुत डिफरेंट और बड़ा मज़े का ये आपका पीच चीज क्रीम केक बनता है। आपने इतना मिक्स करना है कि आपकी जो इसमें शुगर डली हुई है वो डिसॉल्व हो जाए, और अगर आपके पास फास्टिंग शुगर है तो वो डालने की कोशिश करें तो वो आपकी बहुत अच्छी होगी। अब मैं इसको इतना मिक्स करूँगी कि मेरी जो इसकी शुगर है ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अब मैं इसको इतना मिक्स करूँगी कि जो शुगर है उसको मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देना है, क्योंकि ब्लेंडर की आवाज़ नहीं आती तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके तो इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी, और उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून जो जेलेटिन मैंने बना के रखी हुई है पानी में वो मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी मिक्स हो गई है शुगर जो है अच्छी तरह मिक्स हो गया, ये थोड़ा सा व्हिपिंग सा भी फॉर्म बन गया है अब इस स्टेज पे, और बड़ा क्रंची सा इसका जो है वो आ रहा है आपके मुंह में आएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने जो जेलेटिन मैंने आपको बताई थी जो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून 1.5 कप गरम करके मैंने उसमें डाल दिया था, अब मैं इसको इसमें जो है मैं तकरीबन
तीन जो है वो टेबलस्पून डाल रही हूँ। जेलेटिन का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जेलेटिन जब खुल जाए तो वो आपका जो है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। हमेशा कोशिश करें कि इसको किसी एयर टाइट जार में रखें। अब इसको आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिएगा, ये फर्स्ट मैंने लेयर जो है मैरी बिस्किट की आपको बताई थी, जो कि मैं पैन में लगा चुकी हुई हूँ, और सेकंड और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैंने 10 मिनट्स के बाद इसको, जब क्योंकि इसमें बटर डला होता है, तो मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। अब मैं ये सारा इसके अंदर पोर करूँगी। और मैं आपको ये बताती जाऊँ कि क्रीम चीज़ केक, किसी किस्म का चीज़ केक जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, मगर इट्स वेरी चीप कि अगर आप घर में बना लें तो। ये देखिएगा, मैंने सारा इसमें बहुत अच्छा डाल के इसको इसको मैं सेट करूंगी। और सेट करने के बाद इसको फर्दर मैं 10 मिनट्स के लिए जो है वो आप इसको फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये आपका जल्दी जो है वो चिल हो जाए। ये मैं इसको सेट कर रही हूँ। इसको आप ऐसे ही करके सेट करिएगा, क्योंकि हर लेयर आपकी सामने नज़र आनी चाहिए। ये देखिएगा, बड़े इजीली ये आपका कवर हो गया है। और अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ, या आप फ्रीज़र में इसको रखें, सर्दियों में तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रखने जाऊँगी, फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। और इसकी जो फर्दर है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे क्रीम चीज़ को करना है। ये क्रीम जो मैंने व्हिप की थी शुगर के साथ, ये वो है। और इसमें मैं तकरीबन ये वाली क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ, और इसकी मैंने 3 जो है ये क्रीम चीज़ की मैं इसमें डालूंगी। इसको मैं ब्लेंड करूंगी, और अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसको मैं इस तरह रख दूंगी। बहुत अच्छा मिक्स करें। ये मेरी थर्ड लेयर जो है वो जा रही है। मेरी रेसिपीज को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट भी मिलेगा। ये आपने बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है, ये आपकी जो क्रीम चीज है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। और इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना है, इसमें हमने शुगर डाली थी। और साथ मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैंने एक पैकेट क्रीम चीज़ लिया था जिसको मैंने व्हिप कर लिया था शुगर डाल के 3 टेबलस्पून। उसमें हाफ जो थी वो मैंने क्रीम जो है तकरीबन 4 के करीब मैंने पीच जो मैंने निकाला हुआ था उसमें डाल दी, और जेलेटिन डाल दी। इसको मैंने सिर्फ चीज़ क्रीम और क्रीम को मैंने व्हिप किया, वो चीज़ क्रीम डाली है और शुगर ऑलरेडी इसमें डली हुई थी। अब जो फर्दर मैंने करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। है मैरी बिस्किट की आपको बताई थी, जो कि मैं पैन में लगा चुकी हुई हूँ, और सेकंड और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैंने 10 मिनट्स के बाद इसको, जब क्योंकि इसमें बटर डला होता है, तो मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। अब मैं ये सारा इसके अंदर पोर करूंगी। और मैं आपको ये बताती जाऊं कि क्रीम चीज़ केक, किसी किस्म का चीज़ केक जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, मगर इट्स वेरी चीप कि अगर आप घर में बना लें तो। ये देखिएगा, मैंने सारा इसमें बहुत अच्छा डाल के इसको इसको मैं सेट करूंगी। और सेट करने के बाद इसको फर्दर मैं 10 मिनट्स के लिए जो है वो आप इसको फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये आपका जल्दी जो है वो चिल हो जाए। ये मैं इसको सेट कर रही हूँ। इसको आप ऐसे ही करके सेट करिएगा, क्योंकि हर लेयर आपकी सामने नज़र आनी चाहिए। ये देखिएगा, बड़े इजीली ये आपका कवर हो गया है। और अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ, या आप फ्रीज़र में इसको रखें, सर्दियों में तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रखने जाऊँगी, फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। और इसकी जो फर्दर है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे क्रीम चीज़ को करना है। ये क्रीम जो मैंने व्हिप की थी शुगर के साथ, ये वो है। और इसमें मैं तकरीबन ये वाली क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ, और इसकी मैंने 3 जो है ये क्रीम चीज़ की मैं इसमें डालूंगी। इसको मैं ब्लेंड करूंगी, और अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसको मैं इस तरह रख दूंगी।
थोड़ा मिक्स करें। ये मेरी थर्ड लेयर जो है वो डाल रही है। रेसिपीज को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट भी मिलेगा। ये आपने बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है कि आपकी जो क्रीम चीज़ है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। और इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना है, इसमें हमने शुगर डाली थी। और साथ मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैंने एक पैकेट क्रीम चीज़ लिया था जिसको मैंने विप कर लिया था शुगर डाल के 3 टेबलस्पून। उसमें हाफ जो थी वो मैंने क्रीम जो है तकरीबन 4 के करीब मैंने पीच जो मैंने निकाला हुआ था उसमें डाल दी और जेलेटिन डाल दी। इसको मैंने सिर्फ चीज़ क्रीम और क्रीम को मैंने विप किया वो चीज़ क्रीम डाली है और शुगर ऑलरेडी इसमें डली हुई थी। अब जो फर्दर मैंने करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिएगा मेरा अब ये सेट हो चुका है और मैंने क्रीम चीज़ और जो मैंने बनाई थी उसकी मैं नेक्स्ट लेयर जो है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये आपने ऐसे ही डालनी है कि आपका जो है ये बड़ा अच्छी एक पूरी लेयर नज़र आए। और ये इतना कॉस्टली भी नहीं होता अगर आप घर में बना लें और इट्स वेरी इजी। ये देखिएगा ये मैं सारा इसमें डाल दूंगी और फिर मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको हर सूरत में फ्रिज पे जो है रखना है ताकि इसकी लेयरिंग जो है वो आपको अलग अलग नज़र आए। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये चीज़ केक्स बनते हैं और आप इसको ट्राई करें घर में। मैंने फ्रिज से इसको बाहर निकाल दिया था और आप इसको नोट डाउन करिएगा, मैंने पीच को आप किसी तरह भी कटिंग करके तो वो आप इसको डेकोर अपने स्टाइल में कर सकते हैं। तो मैंने पीच को थोड़ा सा कम इसको किया है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत पीच डल चुका हुआ है। आप इसको फिलअप पूरा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने जेलेटिन बताई थी वो मैं आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ये जेलेटिन जो है वो स्प्रिंकल करूँगी और ये देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये बड़ा अच्छा आपका एक लुक आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको तकरीबन ओवरनाइट जस्ट 3 टेबलस्पून मैंने इसको डाली है। इसको मैंने ओवरनाइट जो है वो फ्रिज में रखना है और फिर मैं इसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगी। मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मैं इसको भी ओपन करके जब ये हो जाएगा तो मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा मेरा चीज़ केक बहुत अच्छा तैयार हो चुका हुआ है और मैंने इसको ओवरनाइट सारा जो है वो फ्रिज में रखा था। मैं इसका आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ और ये बड़ा अच्छा डिफरेंट एंगल्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिएगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।